हेलो सर मुन एंड राइजिंग टॉरस वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट यह आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से रीडिंग है ये टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज होगा टाइमलेस मींस कि जो भी आप इस मैसेज को देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगा और कलेक्टिव मींस कि जब भी आप इस जितना आपसे रेजोनेट करे उतना लें ओके सो so, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करें मेरे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है अगर आपको उसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप उसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे हेवं ड्रीम टेर चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस ओके सो लेट स्टार्ट के टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है फॉर टॉरस टॉरस टॉरसर्स फीलिंग्स फॉर टॉरस टॉरस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स फॉर टॉरस क्या हैं जस्टिस ओके सो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हैं उनके पास अदर ऑप्शंस हैं लेकिन वो उनको कंसिडर नहीं करे वो सिंगल रहना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इस वक्त में और वो अब अपनी लाइफ में जस्टिस चाहते हैं और आपको जस्टिस देना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं या बैलेंस लाना चाहते हैं अपनी रिलेशनशिप में और हो सकता है आपके कॉल टैक्स मैसेज का वेट कर रहे हों एक न्यू बिगनिंग आपसे चाहते हैं आपके पार्टनर उनके अंदर भी फीलिंग्स हैं आपके लिए बट वो उनको आ, उनको अब कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है अपनी फीलिंग्स को और इसलिए वो एक न्यू स्टार आपके लिए चाहते हैं हो सकता है पास में वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहे हैं इस रिलेशनशिप के हवाले से और स्टिल उनको ऐसा लगता है कि वो अनस्टेबल हैं विदाउट यू और पास में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हुई हैं ओके सो यू रीयूनाइट वो आपके साथ हो, होना चाहते हैं आपके साथ अगेन से फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं यस yes, वो आपके साथ एक अगेन से चांस चाहते हैं हो सकता है आप किसी वाटर साइन से डील करें कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कोई लिब्रा भी हो सकते हैं और कोई एरीज लियो सेजिटेरियस भी हो सकते हैं स्पाइस भी हो सकते हैं स्ट्रॉगली बट uh, कोई भी साइन हो बट इस वक्त में उन उस पर्सन की ये एनर्जीज़ हो सकती हैं कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लोनली फ़ील कर रहे हैं और अपने इमोशंस को सप्रेस करना चाहते हैं बहुत इमोशंस हैं उनके अंदर लेकिन वो उनको कंट्रोल कर रहे हैं और ये उनके लिए एक चैलेंज है या तो वो अपने कंट्रोल इमोशंस uh, को uh, उनके जो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना उनके लिए अब चैलेंज बनता जा रहा है वो आपसे री होना चाहते हैं ओके okay, हो सकता है वो बहुत कन्फ्यूजन का शिकार थे पहले अब वो आपसे रीयूनियन जाते हैं इस रिलेशनशिप के हवाले से बहुत कन्फ्यूजन का शिकार थे अब वो रीयूनियन जाते हैं अब वो, वो आपसे बात करना चाहते हैं उनको लगता है कि आपके बगैर उनकी लाइफ स्टेबल नहीं है सो so, या फिर उनको फाइनेंशियल लैक है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बहुत अनस्टेबल फ़ील कर रहे हैं गिल्ट सो उन्हें किसी किस्म का गिल्ट है ये उनकी ट्रू इंटेंशनस हो सकती हैं कि वो अब गिल्ट फील कर रहे हैं जो उन्होंने पास में आपके साथ किया है उस हवाले से, वाले से उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया और अब जो भी उनकी फ़ीलिंग्स है, उन हैं उन सबको वो फ़ेस करें और लाइक अब जो भी उनके साथेबल हो रहा है उसको वो, वो उनको फ़ेस करना पड़ पड़ रहा है अपनी लाइफ में अब उनको बहुत ज़्यादा अनस्टेबलिटी का सामना है और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में भी हैं आई फील यू लिविंग बिहाइंड यू उनका हार्ट मैसेज है उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें पीछे छोड़ते छोड़ रहे हैं आई हाइड हू आई रियली एम फ्रॉम यू सो हो सकता है उन्होंने अपनी असलियत छुपाई आपसे आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्परिचुअल लेसन तो हो सकता है उन्हें कोई स्परिचुअल लेसन मिला है आपसे जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं और कोई ना कोई स्प्रीचल लेसन तो ज़रूर उनको मिला है जिसकी वजह से वो गिल्टी फील कर रहे हैं उनको उनको रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना है शायद उनको वो नहीं आता था तो शायद आप आपने ने, आपकी वजह से कोई स्परिशल लेसन उन्हें मिला है जिसकी वजह से वो ग्रेटफुल हैं यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक तो आप उनको म्यूज़िक से के थ्रू कॉन्टैक्ट लाइक बात करते हैं लाइक like, जो भी म्यूज़िक उनके सामने आता है तो उनको अपनी सिचुएशन के हिसाब से लगता है तो उनको लगता है कि शायद ये आपकी भी फीलिंग्स हो सकती हैं हो सकता है वो आजकल म्यूज़िक्स बहुत सुन रहे हैं आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू आई लव यू अनकंडीशनली तो वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और आपको अनकंडीशनल लव करते हैं सो लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या हो सकता है वॉट विल बी देर नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू नेक्स्ट एक्शन अगेन से फाइव ऑफ पेंटिकल तो डेफिनेटली वो आपके बग़ैर अनस्टेबल ही फील करेंगे अगेन से मून की एनर्जी है तो हो सकता है कि किसी की मदर की वजह से कोई प्रॉब्लम आई थी इस रिलेशनशिप में और वो स्टिल है प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो आप तक नहीं आ पाते हैं या कोई मदर फिगर है कोई मदर है उनकी बच्चों की मदर हो सकती है और उन्होंने कोई मेच्योर स्टेप वो आप तक तर, आपकी तरफ नहीं ले पाएंगे प्रैक्टिकली कोई मेच्योर स्टेप नहीं होगा बट इमोशनल बॉन्ड वो जरूर आपके साथ फील करेंगे इन फ्यूचर तो कोई एक्शन तो मुझे नज़र नहीं आ रहा जस्ट वो एक मेच्योर मेच्योर एक्शन की तरह के साथ आ सकते हैं बट उनका लव जो है वो जेनवन है फॉर यू सो दैट वॉज योर रीडिंग इफ इट्स रेजोनेट यू प्लीज लेट मी कंफर्म एन कमेंट ब्लो लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब मर चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग